हेलो गाइस, मैं हूं कुलजीत और आप देख रहे हो जुगनू लाइव चैनल। तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप भूल जाते हो बाद में सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ अभी लाइक ही कर दीजिए, प्लीज़, थैंक यू। एंड मैंने परसों एक अनाटमी एंड साइकोलॉजी का पेपर डाला था, तो ये क्वेश्चन पेपर था उसका, तो मैं उसके आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी और वीडियो पूरी देखना प्लीज़। आप पूरे के पूरे में आज क्वेश्चन पेपर है जो वो आज आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो ये आप क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, इसके आंसर प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देन फर्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग, टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड इंटर सर्कुलर मटीरियल विच इज द परफॉर्म कर्टेन स्पेशल फंक्शंस। तो नेक्स्ट इज आंसर डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? इट इज डबल स्टैंडर्ड ऑफ द न्यूक्लियस, अरेंज इट इज द हिलेक्स विच इज द रिसेम्ब्लेंस इज ट्विस्ट लीडर, द न्यूक्लियस कॉन्टैक्ट द शुगर डाइग्लोसिबोज फिसोफेस ग्रुप एज द वन ऑफ द फोर बेसिड। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। रेस्पिरेशन, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज एन एक्ट ऑफ ब्रीथिंग इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेरिक एयर इंटर द बॉडी एंड द कार्बोहाइड्रेट्स आउट कम्स आउट। नेक्स्ट इज न्यूरॉन, द नर्वस सिस्टम कंसेंस द वास्ट नंबर ऑफ द सेल कॉलिड न्यूक्लियस सपोर्टेड बाय द स्पिनल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज रेगुलाई ईच कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड इट प्रोसेस वन ऑक्सीजन एंड मैनी डेंट्रीज। हार्मोन्स आगे क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स इज केमिकल मैसेज परफॉर्म्ड इन वन ऑर्गन और ग्लैंड एंड कैरी इन द ब्लड टू अदर ऑर्गन्स गिव इज इंक्लूड इन्फ्लुएंस सर्कुलर एक्टिविटी स्पेसिफिक ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज द अम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ द नेचुरल एंड रिक्वायर रीएसिसेंस ऑफ बॉडी टू ए डिजीज। डिजीज क्या होती है? बीमारी होती है डिजीज। पैथोसाइटिस्ट क्या होता है? इट इज प्रोसेस बाय द विच पार्टिकल्स टू लार्ज ए क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स आर इंजुफ्लुइड बाय सेल्स। तो नेक्स्ट पेस्टुराइजेशन क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज हीटिंग ऑफ मिल्क टू सच टेम्परेचर एज इज रिक्वायर्ड द डिस्टरी ऑफ पैथोजन दैट मे बी प्रेजेंट विच वाइल मीनिंग चार्ज इन द कॉम्पोजिशन। कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स ए पर्सन हु इज द हीबर पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज इन द बॉडी without showing the sign and symptoms of that disease such as act carries or distributor of that disease। ਇਹਦਾ main meaning ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ carrier ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ sign and symptom ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ sign and symptom ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? कैरियर कहते हैं। अगे मीनिजस द थ्री मेम्ब्रेंस दैट इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेसिंग द ड्यूरा मैटर एंड एथेरोस्क्लेरोटिक मैटर्स एंड पिया मैटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हैं तो इनको भी आप देख लो। राइट द फंक्शन एंड फॉलिंग, ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? मैं इसको थोड़ा पंजाबी में भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी।
दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल ऑफ द बॉडी. इट ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स टू लंग. जेड़े सेल्स दे विचों लंग्स दे तक CO2 नू मतलब पहुँचाता है उन्हों बाहर कढ़ दा. लंग्स राही आप जो सांस लेने तो बाहर निकल जाती है. दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द सेल्स. इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल टू किडनी लंग्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स जड़िया पसीने वाली होंदिया है. इट ट्रांसपोर्ट एंजाइम टू द वेरियस सेल्स. इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द सेल. इट कैरियर हीट प्रोवाइड टू एक्टिव टिश्यू टू अदर लेस एक्टिव टिश्यूज. इट कैरियर प्रोडक्ट सब्सटेंसेस एग्जांपल एंटीबॉडीज टू एरियर ऑफ इन्फेक्शन. तो नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? सी जिसे एस सी एस एफ क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है. ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है. इट सपोर्ट द प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इट मेंटेन द यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड द डेलिकेट स्ट्रक्चर्स. इट एक्ट द कशन एंड शॉक एब्सॉर्बर बिटवीन द ब्रेन एंड द क्रेनियल बोन्स. द इट कीप द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोस्ट द देयर मे बी interchange substances between CSF and nerve cells such as nutrition and waste product. Again, function of the spleen. Spleen ये important question है. ये paper में आता ही आता है. CF भी आता ही आता है और ये spleen और lungs भी आते ही आते हैं. जितने भी मैं आपको important question करवा रही हूँ ये सभी पेपर में आते ही आते हैं. इनके फंक्शन पूछे जाते हैं, इसके बारे पूछा जाता है. द स्प्लीन इज फॉर्मड रेटिकुलर ऑफ लिम्फैटिक टिश्यू एंड द लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन्स. इतना ही आप लिख सकते हो, यही काफ़ी है. आगे इसके फंक्शन पैथोसाइटिस्ट ओल्ड एंड अबनॉर्मल अर्थोसाइटिस्ट इज डिस्टोरिड इन द स्प्लीन एंड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट Bilirubin and iron are passed to the livers by the spinal and postal vein. इतना ही लिखना है आपने, ये काफ़ी है. अगेन development of lymphocytes. The aggregate of lymphocytes responds to the antigen by the immune reaction sensitized B and T lymphocyte multiply and become immunopent. Some B lymphocytes develop in the plasma cell and produce antibodies. The spleen provide many of the lymphocytes in the blood. Again, ortho पोसिस क्या होते हैं? द स्प्लीन एंड द लिवर आर इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ फीटल ब्लड सेल्स प्रोडक्टेड एंड द स्प्लीन कैन आल्सो फुलफिल दिस फंक्शन एंड इन एडल्ट इन द टाइम ऑफ ग्रेट नीड्स. आगे लंग्स क्या होते हैं? लंग्स क्या होते हैं? लंग्स तो आप सबको पता है, लंग्स हमारी बॉडी का बहुत ही मेन पार्ट होता है. एस्पिरेशन क्या होता है? ये आप सबको पता ही होता है. ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द इंटरकॉस्ट मसल्स एंड डायाफ्राम कैपेसिटी ऑफ थोरिक्स कैविटी इंक्रीज पैरिटल प्यूला मूव इन वॉल्व फॉर ओरेक्स एंड द पैथोजन डायाफ्राम. द प्रेशर इन द थोरसिस कैविटीज decreases and become lower than the atmospheric pressure. Vascular pleura moves in the parietal
पेलूरा, लंग्स आर सेक्रेटेड एंड प्रेशर विदाउट एल्वोलाई डिक्रीज एंड द एयर मूव्स इन द लंग्स। ये आपको मेरी एक वीडियो है, आप देख सकते हो, मैंने वो डाली है हार्ट की, तो उसमें सारा ये मैंने बताया हुआ है कहाँ से कहाँ एओर्टा खुलता है, कैसे होता है, ये सब रेस्पिरेशन सिस्टम उसमें बताया हुआ है मैंने, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसमें सारा मैंने फंक्शन बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये काम करता है। एक्सपिरेशन, इट इज रिलैक्सेशन इन इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम, इट इज डाउनवर्ड इन द इनवर्ड मूव्ड ऑफ रिब केव एंड लास्टिक रिकॉल ऑफ लंग्स, एज ए रिजल्ट ए प्रेशर ऑफ गैसेज इनसाइड द थोरेक्स कैविटी बिकम्स मोर द एटोमोराइरस प्रेशर्स, देयर फॉर एयर मूव आउट द रेस्पिरेशन ट्रैक। रेस्पिरेशन ट्रैक के आगे सलाइवा, सलाइवा आप सबको पता है कि ये जो हमारा सलाइवा जो हमारे मुंह में होता है वो क्या होता है, सलाइवा होता है। केमिकल डिसेक्शंस ऑफ पाइथोराइटिस बाय एंजाइम सलाइवरी इम्ब्लेज, लिब्रिकेशन ऑफ फूड बिफोर इट मे बी मेड इनटू द बोलस, क्लीनिंग ऑफ लब्रिकेट द माउथ टू कीप इट्स टिश्यू सॉफ्ट मोस्ट एंड कैपेबल, नॉन सॉफ्टिक डिफेंस इज लाइजोम अमीनो ग्लोमलिस एंड क्लॉटिंग टोरेस्ट कॉम्बेस्ट इनवाइडिंग मिक्रोबेस, टेस्ट एंड टेस्ट बंस आर स्टिम्यूलेटेड ओनली द केमिकल सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन। नेक्स्ट इन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्गन ऑफ डिजेस्टिव सिस्टम, डिजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है, डिजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा जो हमारा पेट है उसमें सारा डिजेस्टिव सिस्टम ही है। तो इसके कौन कौन से डिजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, माउथ आता है, पैंक्रीज आता है, इसोफिगस आता है, स्टमक आता है, इंसेस्टाइन, लार्ज इंसेस्टाइन, रेक्टम एंड कैनल। कैनल माउथ तो आप सबको पता है, माउथ हमारा मुंह होता है, पैंक्रियाज पैंक्रियाज, इसोफिगस होती है जो हमारी फूड पाइप होती है, स्टमक हमारा पेट होता है, स्मॉल इंसेस्टाइन जो हमारी जिसे अंदर बोलते हैं छोटी अंदर, तो लार्ज इंसेस्टाइन हमारी बड़ी, रेक्टम हमारा आपको आप मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोल सकते, कैनाल हमारा जो जहाँ से हमारा आउटपुट पास होता है वो उसको कैनल बोलते हैं। तो ओरल रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है ये भी आप सुन लो, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है कैसे हम सांस किस किस चीज के द्वारा लेते हैं, तो इसे नोज के द्वारा लेते हैं, पैंक्रियास, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया हमारी सानाली होती है, ट्यूब ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकलीज एंड स्मॉल एयर पासिस, टू लंग्स एंड प्लूरा, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस। तो नेक्स्ट इंटरकोस्टल मसल्स तो डायाफ्राम्स पार्ट ऑफ द ईयर, तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ ईयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं आपको मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, ईयर के तीन पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो आप इतना लिख रहे हो तो आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 नंबर मिल ही जाएंगे अगर आप इतना ही लिख दोगे तो। तो आउटर की होती है पीनिया, तो एओर्ट्री कैनाल, तो ये दोनों आउटर के हैं। तो मिडल के कौन कौन से है, द मेलियस, द इनकस, द स्टेपिस। स्टेपिस हमारी सबसे छोटी जो नाड़ी होती है वो कान में पाई जाती है, सबसे छोटी नाड़ी होती है हमारी बॉडी की, तो ये स्टेपिस होती है। इनर कौन सी है, इनर बोनी, लैडिरिथिक, बेब्रोराइज, लैथरिट, कॉकियज। मॉडल्स ऑफ इन्फेक्शन,
मॉडल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस इन बॉडी नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ इन्फेक्शन इनहेलेशन थ्रू एयर इनजेस्टिन थ्रू फूड एंड वाटर इनकोकुलेशन थ्रॉट स्किन बाय वाउंड्स थ्रो ऑफ जेंटेलिया तो नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल मतलब कि जो लेडीज के हमारे रिप्रोडक्टेड होते हैं वो कौन कौन से हैं तो वजाइना है सर्विक्स है यूट्रस है फ्लॉपियन ट्यूब्स है और ओवरीज हैं ठीक है ये हमारी जो हमारी लेडीज होती हैं उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए है डिस्क्राइब द प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन ड्राओ एंड लेबलिंग डायाफ्राम ऑफ इंटीरियर ऑफ द हार्ट इंटीरियर ऑफ हार्ट मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है तो ये है प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन आपको प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन राइट जो हमारा राइट एटीएम होता है उससे सर्कुलेशन कैसे होती है ये सब बताया गया है प्रिलिमिनरी आर्टरी डीऑक्सीजेटिंग ब्लड आता है उसके साथ में लेवल ऑफ अपर हार्ट राइट एटीएम ऑफ द हार्ट इन पैसिव अपर पार्ट्स डिवाइड इन राइट एटीएम लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी ऑल द वॉल्स ऑफ थ्री पैसिव वर्टेब्रास ठीक है उसके आगे नेक्स्ट डिवाइड होता है ये लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी लेफ्ट प्रिलिमिनरी राइट प्रिलिमिनरी आर्टरी रन्स ऑफ द रूट एट ऑफ एलटी लंग्स पासिस ऑफ द रूट ऑफ एलटी लंग्स डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस वन एंड ईच लोब्स डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस ठीक है तो ये पासिस होता है इनमें से तो लार्ज ब्रांचेस ऑफ द मिडल द लोअर लोब स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द अपर लोअर्स आगे ये ऐसे जाके यहाँ से ये जाके यहाँ पे जाता है तो ये ब्लड है जो वो वहाँ से ऐसे आके ऐसे आता है ठीक है विद इन ऑफ द लंग्स स्मॉलर आर्टरीज इंटरचेंजेस ऑफ द गैसेस टेक प्लेस बिटवीन कैपिलरीज ब्लड्स एंड द एयर ऑफ द एल्वोलाइज ऑफ लंग्स इन ईच लंग्स कैपिलरीज विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जॉइन ऑफ द टू वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेंस में आ जाता है तो नेक्स्ट ट्यूब प्लम्बरी वेंस लेवल ईच लंग्स कैपिलरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द लेफ्ट एटीएम ड्यूरिंग योर एरियल सेस्ट्रोल्स ब्लड इनटू द वेंटिकल्स ड्यूरिंग वेंटिकल सेस्ट्रोल्स ब्लड इनटू द एओर्टा द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जर्नल सर्कुलेशन तो ये था तो आगे है डायाफ्राम ऑफ इंटीरियर ऑफ द हार्ट तो ये मैंने वीडियो डाली हुई है भाई आप जाके देख सकते हो डायाफ्राम इंटीरियर ऑफ हार्ट वहाँ पे मेरी पिक लगी हुई हैं तो वो वीडियो आप क्लिक कर लेना तो आप ये देख लेना वो उसमें पूरी तरह समझाया हुआ है आगे डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी राइट द की फंक्शंस ऑफ द किडनी तो ये है हमारा किडनी है तो मैं थोड़ा ये मैं आपको कल करवाऊंगी तो ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपको कल भी ये प्रोवाइड करवा दूंगी दो क्वेश्चन है थोड़े लंबे हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो सॉरी तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें भाई थैंक यू बाय बाय